सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता अगले सत्र से रेसिडेंशियल एमबीए कोर्स की शुरुआत कर रहा है। यूनिवर्सिटी के वीसी फादर डॉक्टर जे फेलिक्स राज ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एमबीए के लिए अनुमोदन मिल चुका है। वीसी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यूनिवर्सिटी को और विकसित करने के लिए राज्य सरकार से 10 एकड़ जमीन की भी मांग की जाएगी। हालांकि अभी यूनिवर्सिटी कैंपस 17 एकड़ में फैला हुआ है। आइए जानते हैं और क्या क्या कहा वीसी ने। এই সাল থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি কলকাতা এমবিএ কোর্স হাম লোক শুরু করেঙ্গে। এমবিএ কোর্স কে লিয়ে হাম লোক এআইসিটিই পারমিশন হামারে লিয়ে মিলা হ্যায়। এই পারমিশন 120 সিটস কে লিয়ে হাম 120 সিটস নিয়ে হাম লোক অভি এডমিশন শুরু করিয়ে হ্যায় করেঙ্গে। আগস্ট 7 হামারা इनाग्रेशन होगी। एमबीए कोर्स के अलावा हम लोग 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस शुरू करते हैं इस साल में। 2018-19 एकेडमिक ईयर में हम लोग शुरू करेंगे और 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हम लोग शुरू करेंगे। ये 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में एमए इंग्लिश, एमकॉम, एमए इन मास कम्युनिकेशन, एमएसडब्ल्यू, देन 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हम लोग शुरू करेंगे। बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन इंग्लिश, बीए इन मास कम्युनिकेशन, बीकॉम और बीएमएस। उसके बाद हम लोग एमडीपी प्रोग्राम शुरू करेंगे। एमडीपी प्रोग्राम है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में या कंपनीज में जो काम करते हैं उन लोग यदि मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, करने चाहते हैं, उनके लिए हम लोग डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करेंगे। उसके बाद एक ऑडिटोरियम शुरू करना है और हमारा प्लान में है एक लॉ स्कूल, एक स्पोर्ट्स एकेडमी। ये शुरू करने के लिए हम लोग और वो जगह चाहिए, लैंड चाहिए। ये लेकर मैं हमारे हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैं अनुरोध करूँगा कि उन्होंने यदि और लैंड हम लोग को दे सकेंगे अच्छा होगा।